क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसमें हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चलेंगे, तो ये आएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा इसका होल स्क्वायर, इसको हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमें इसे प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास कोस थीटा में गिवन है, तो हम इनको कोस और साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस में कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। एलसीएम है वो आएगा हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस में कोस थीटा, कोस थीटा 1 इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम नीचे वाले को 1 साइन थीटा को लिख सकते हैं, या अलग अलग लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने की है, तो साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये लिखेंगे 1 माइनस में कोस थीटा, इसका हमारे पास होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लगेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए इज 1 एंड बी इज कोस थीटा, इस आइडेंटिटी को लिखेंगे 1 माइनस में ए माइनस बी और ए प्लस में बी, हियर ए इज 1 एंड बी इज कोस थीटा। ऊपर वाला है 1 माइनस में कोस थीटा एज इट इज, इसका स्क्वायर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा इनटू में 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 टाइम्स और यहाँ 2, तो एक पावर है वो इसकी कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस में कोस थीटा, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड है 2 सीकेंट ए, दोनों साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। वही हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कोस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कोस ए इनटू में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कोस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई होएगी तो ये हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में साइन ए इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए इसको एज इट इज लिखेंगे और यहाँ लग जाएगा हमारे पास ए प्लस में बी होल स्क्वायर, ए इज 1 एंड बी इज साइन ए, तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 ए बी यानी 2 साइन ए।
थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस में सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस में टेन थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा को हम साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन थीटा को इसकी फॉर्म में चेंज करेंगे तो टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइडिंग बाय वन माइनस में कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोट थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइडिंग बाय वन माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा और इसमें आएगा हमारे पास एलसीएम है वो कोस थीटा, तो इसके लिखेंगे न्यूमिनेटर है वो हमारे पास सेम रहेगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे डिनोमिनेटर है एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा प्लस में सेम प्रोसेस इसमें होगा हमारे पास कोस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, नीचे एलसीएम कोस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर है वो आएगा हमारे पास कोस थीटा। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा और इसमें कोस थीटा है वो हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा वो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, सेम यहाँ हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा, नीचे आएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इनको हम सेम बनाने के लिए यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा हमारे पास कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा ये होगा हमारे पास माइनस में कोस थीटा इंटू कोस थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू में ये माइनस साइन चेंज होने के बाद यहाँ भी हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। यहाँ पे अब हमारे पास साइन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये हमारे पास इसका आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा तो इसको लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और ये आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल साइन माइनस कोस से ये कैंसिल तो यहाँ बचेगा साइन तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस क्यूब थीटा, यह हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब ये होता है हमारे पास ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ए है वो हमारे पास है साइन थीटा, बी है वो हमारे पास है कोस थीटा,
जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा डिवाइडिंग बाय हमारे पास डिनोमिनेटर है वो था हमारे पास साइन थीटा इनटू में कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास वन प्लस में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। नीचे डिनोमिनेटर है वो आएगा हमारे पास साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। अब न्यूमिनेटर के नीचे एक बार साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखेंगे प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि अलग अलग लिखेंगे तो ये आएगा वन अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। नीचे आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉन साइन थीटा इज कोसिकेंट एंड वन अपॉन कोस थीटा इज सीकेंट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस में वन। यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है हमारे पास वन प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस में कोस ए। इसमें हमें या तो हम दोनों साइड को अलग अलग लें और उनको इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर इसमें मैं राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि सीकेंट की जो फॉर्म होती है उसको कोस की फॉर्म है वो सीकेंट होती है, तो जो चेंज रूप होता है वो लेके चलते हैं हम इसका, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करें और फिर हम राइट साइड को सोल्व करें और उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगी यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए। साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू हमारे पास एक आइडेंटिटी की है हमने, साइन स्क्वेयर ए होता है हमारे पास वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए, ये होता है। तो साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्योंकि नीचे कोस में है, तो कोस स्क्वेयर ए कोस की फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे और नीचे आएगा हमारे पास कोस ए। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए इज वन एंड बी इज कोस ए, तो इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस में कोस ए इंटू में वन प्लस में कोस ए। नीचे डिनोमिनेटर है हमारे पास वन माइनस में कोस ए, वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा वन प्लस में कोस ए। अब लेफ्ट साइड है वो हमारे पास सीकेंट में गिवन है, तो हम कोस को सीकेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो वन प्लस में इसको कोस को लिख सकते हैं हम वन अपॉन में सीकेंट ए। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, सीकेंट ए इज द एलसीएम सीकेंट ए, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास सीकेंट ए प्लस में वन, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस में सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल, दोनों साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी थी। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कोस ए माइनस में साइन ए प्लस वन अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए माइनस वन, और राइट हैंड साइड है कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए।
क्वेश्चन में गिवन है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस में कोट स्क्वायर ए, यानी हमें कोस और साइन वाली जो फॉर्म है उसको कोसेकेंट और टेन में कोट और कोसेकेंट में चेंज करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए माइनस में साइन ए प्लस वन, डिनोमिनेटर है कोस ए प्लस में साइन ए माइनस वन। इसको टेन और कोट में चेंज करने के लिए हम जो न्यूमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे, हम साइन से करेंगे तो ऊपर कोट बन जाएगा। इसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। न्यूमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में वन अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा हमारे पास कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस वन अपॉन में साइन ए। अब इसको हम कोस ए अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कोट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट ए और माइनस में साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस में वन अपॉन साइन ए होता है हमारे पास कोसेकेंट ए, डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर कोस ए अपॉन साइन ए इज ऑल्सो कोट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल प्लस में वन और माइनस में कोसेकेंट ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, वन की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वन। इसमें हम जहां भी वन है वहां पे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए है उसकी वैल्यू है वो पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा जो सॉल्यूशन है वो कोसेकेंट और कोट में चेंज करना है, इसलिए वन को हम कोसेकेंट और कोट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम कोट ए इकट्ठा लिख लेते हैं प्लस में कोसेकेंट ए माइनस में माइनस वन, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे भी चेंज करेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ आएगा हमारे पास कोट ए माइनस में कोसेकेंट ए प्लस में वन की वैल्यू, नीचे वाले को हम कैंसिल करने के लिए एज इट इज रखेंगे कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस में वन। यहाँ हम जब सोल्व करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसको चेंज करेंगे हम कोस कोसेकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसेकेंट ए प्लस कोट ए की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस में कोसेकेंट ए माइनस में, इसको लिख सकते हैं हम कोसेकेंट ए माइनस में कोट ए इंटू में कोसेकेंट ए प्लस में कोट ए। नीचे है डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारे पास कोट ए माइनस में कोसेकेंट ए प्लस वन, ऊपर वाली टर्म है उसमें से हमारे पास कोट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास
cot A plus cosecant A is common. cot A plus cosecant A है वो हम कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां आएगा हमारे पास 1 माइनस में cot A plus cosecant A है वो बाहर आ गया, तो यहां हमारे पास बचेगा ये cosecant A माइनस में cot A, लेकिन साइन है वो यहां माइनस है तो इसका साइन यहां प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस में cosecant A प्लस में cot A. डिनोमिनेटर नो चेंज, तो cot A माइनस cosecant A प्लस 1 एज इट इज, तो इसको लिख लिया हमने cosecant a plus cot a into में 1 minus this, तो ये denominator से ये cancel हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास cosecant a plus में cot a, ये हमारे पास इसकी right hand side थी, तो left hand side है वो equal आ जाएगी हमारे पास है right hand side. sixth part है हमारे पास 1 plus sin a upon में 1 minus sin a का square root का रूट इक्वल टू secant a प्लस में tan a, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करने हैं, तो राइट हैंड साइड है वो secant a प्लस tan a गिवन है, तो हम साइन वाले फॉर्म लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस में sin a अपॉन में 1 माइनस में sin a का रूट. अब हम इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ही, तो यहां लिखेंगे हम v मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस में साइन थीटा, तो यहां आएगा हमारे पास के रूट इसके अंदर ही करना है, तो 1 प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस में sin थीटा मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस में sin थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में sin थीटा. अब 1 plus sin थीटा इसको लिख सकते हैं हम 1 plus sin थीटा का स्क्वायर रूट, यहां लिखेंगे हम 1 plus में sin थीटा का स्क्वायर और पूरी टर्म है उसका हमारे पास रूट गिवन है, तो नीचे आएगा a minus b और a plus b यानी 1 minus में sin स्क्वायर थीटा, 1 minus sin स्क्वायर थीटा है उसका हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, सॉरी a है यहां पे, तो a पुट करेंगे हम नेगेटिव थीटा, तो ये हो जाएगा a a और a, जो गिवन हमारे पास एंगल होता है वही हम लेके चलते हैं, तो a आ जाएगा यहां पे sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a. अब इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में sin a स्क्वायर स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा हमारे पास अलग-अलग कर लिया हमने cos स्क्वायर a, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमिनेटर है 1 प्लस में sin a अपॉन में cos a, अलग-अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में cos a प्लस में sin a अपॉन में cos a, 1 अपॉन cos a होता हमारे पास secant a प्लस में sin a अपॉन cos a होता हमारे पास है tan a, तो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास यही है secant a प्लस में tan a, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रूफ हो गई है हमारे पास राइट हैंड साइड. सेवंथ पार्ट है हमारे पास sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल है उसको प्रूफ करेंगे, तो sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा
माइनस में कोस थीटा, सॉरी न्यूमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा कॉमन आएगा, तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास वन, यहाँ आएगा एक पावर है वो कम हो जाएगी तो टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास कोस थीटा है वो कॉमन आएगा, कोस थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में वन, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे टेन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा है इसको भी हम साइन में चेंज करेंगे तो ये ऊपर है ये तो आएगा हमारे पास वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है वो आ जाएगा हमारे पास टू कोस स्क्वायर थीटा, पुट कर सकते हैं हम वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में वन, टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेन थीटा, ऊपर है वो एज इट इज रहेगा वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे टू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू माइनस वन इज वन तो ये आएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू में वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास टू माइनस वन इज वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा ये टेन थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी तो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड की। एट पार्ट है हमारे पास साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन और कोस है साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए इसका स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ए इज साइन ए एंड बी इज कोसिकेंट ए तो ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में टू ए बी, टू ए बी इज साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए, ऐसे ही हम कोस और सिकेंट को सोल्व करेंगे, ये होगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस में सिकेंट स्क्वायर ए प्लस में टू कोस ए इंटू में सिकेंट ए। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में टू साइन ए, कोसिकेंट ए को लिख सकते हैं हम वन अपॉन में साइन साइन ए तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे यहाँ लिखेंगे हम कोस स्क्वायर ए प्लस में सिकेंट स्क्वायर ए प्लस में टू कोस ए और सिकेंट को लिख सकते हैं हम वन अपॉन में कोस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल और कोस ए से और कोस ए कैंसिल, हमें पूरी टर्म है वो टेन ए और कोट ए में चेंज करनी है तो कोसिकेंट की और सिकेंट की वैल्यू हम यहाँ पे कोट और टेन में पुट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू यहाँ लिखती हूँ मैं, आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास वन प्लस में कोट वन प्लस में कोट स्क्वायर ए और सिकेंट स्क्वायर की होती है हमारे पास सिकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं हम
सेकेंड स्क्वायर ये होता है हमारे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये दो आइडेंटिटी है जो हम इसे कोसेकेंड स्क्वायर ए और सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पुट करेंगे। यहाँ आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कोट की, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होने के बाद बचेगा हमारे पास है 2। ऐसे इसमें पुट करेंगे हम कोस स्क्वायर ए और सीकेंट की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में 2। साइन स्क्वायर ए इकट्ठा करेंगे इनको हम, साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस 2, ब्रेकेट को हटाएंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में 2। साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए को कंबाइन करेंगे, ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कंबाइन किया 1 और 2 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 हो जाएगा हमारे पास 6। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा हमारे पास 6। और कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की फॉर्म में हमें आंसर लेके आना, तो इनको रखेंगे हम एज इट इज, टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस में, यहाँ आएगा हमारे पास 6 और प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में आएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए, यहाँ जाएगा 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है वो प्रूफ करने की, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट ए माइनस में साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस में कोस ए। राइट हैंड साइड है 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए। इसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड है दोनों को सेपरेटली सोल्व करेंगे और दोनों है वो हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेकेंट ए माइनस में साइन ए, सेकेंट ए माइनस में कोस ए। वैसे हम इसकी एक साइड लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सिंगल साइड लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और उसको लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूफ करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और काफी हार्ड मेथड अप्लाई करने हैं, कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड्स हो, इसलिए हम इनको अलग अलग लेके चलेंगे और दोनों साइड्स को इक्वल है वो प्रूफ करेंगे। कोसेकेंट ए को हम साइन में चेंज करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास साइन ए माइनस में साइन ए इंटू में सीकेंट को कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे 1 अपॉन में कोस ए माइनस में कोस ए। साइन ए है वो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, साइन ए इज एलसीएम, तो यहाँ आएगा 1 माइनस में साइन ए और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कोस ए है वो हमारे पास इसका एलसीएम होगा, तो 1 माइनस में यहाँ साइन ए से साइन ए साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए है इंटू में हमारे पास आ गया है माइनस में कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए के, और नीचे हमारे पास है इसमें साइन ए इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू इक्वल होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए, नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है कोस ए, तो मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचेगा कोस ए इंटू में साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड है
वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी cos a इनटू में साइन a। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a। tan a और cot a को हम साइन और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, tan को लिख सकते हैं हम साइन a अपॉन में cos a, प्लस में cot को लिख सकते हैं हम cos a अपॉन में साइन a। डिनोमिनेटर को हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ऊपर हमारे पास आएगा 1, नीचे एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास साइन ए इनटू में कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए और इनटू में साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए से साइन ए कैंसिल, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए इनटू में कोस ए। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए इनटू कोस ए है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो साइन ए इनटू में कोस ए अपॉन में 1। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू साइन ए इंटू में कोस ए आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने जब सोल्व की थी वो भी हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए आया था, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। टेन पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और उनकी वैल्यू है वो आएगी हमारे पास टेन स्क्वायर ए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, 1 प्लस टेन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम कोसीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर को हम जब कोस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाई कोसीकेंट को साइन में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे पास टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास टेन स्क्वायर ए की इक्वल प्रूफ हो गई है। अब हम लेके चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 1 माइनस में टेन ए अपॉन में 1 माइनस में कोट ए का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम कोट को टेन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर है वो हमारा टेन में आना चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस में टेन ए अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में टेन ए। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम एलसीएम से सोल्व करेंगे, इसका है हमारे पास स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेंगे तो जो ऊपर हमारे पास है वो एज इट इज रहेगा, उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस में टेन ए अपॉन में, एलसीएम टेन ए लेंगे तो यहाँ आएगा टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस में 1, और नीचे हमारे पास आएगा एलसीएम है वो टेन ए, इसका हमारे पास है स्क्वायर। टेन ए माइनस 1 नीचे है, ऊपर है वो हमारे पास है 1 माइनस में टेन ए।
जब हम यहाँ 1 को आगे लेके आएंगे और 10 को पीछे, तो माइनस 1 है वो हमारे पास आएगा कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में tan a, और यहाँ आएगा माइनस इनटू में tan a है और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास tan a, और इसका हमारे पास है स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस में tan a और इसका स्क्वायर। जब हम किसी की भी नेगेटिव होता है उसकी पावर हमारे पास इवन होती है तो वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर a। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड है दोनों है वो हमारे पास है tan स्क्वायर के इक्वल आ गई है, और यही हमें प्रूव करना था, तो इट्स प्रूव।